वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज आपके एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, और जो आज मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि इस टाइप का ही न्यूमेरिकल आपको पेपर में फिर से देखने को मिले। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। हम कह रहा है कि आपके पास में कंजम्पशन फंक्शन है, गिवन है आपके पास में, और कंजम्पशन फंक्शन क्या गिवन है, मैं साफ साफ पहले लिख लेता हूँ। कंजम्पशन फंक्शन सी इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन जो कि 200 है प्लस 0.9 मींस एमपीसी होता है ये पार्ट ऑफ इनकम जो कि आपने कंज्यूम्ड कर लिया है, और ये एमपीसी आपके पास में वाई डी मींस डिस्पोजेबल इनकम, मैं समझाऊंगा क्या है। उसके बाद आपको आई गिवन है, आई आपके पास पे 900 है बच्चे, एंड उसके बाद आपके पास में गवर्नमेंट आई मीन्स इन्वेस्टमेंट, एक फिक्स इन्वेस्टमेंट। उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपको गिवन है 800 करोड़, एंड टैक्स टी गवर्नमेंट 0.1 जो भी इनकम होती है नेशनल इनकम उसका 0.1% गवर्नमेंट के पास एज अ टैक्स चला जाता है। फाइंड द नेशनल इनकम, ये सब डेटा करोड़ में बच्चे, ये भी डेटा आपका करोड़ में ही आएगा। आपसे पूछ रहा है नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखना, वाई इक्वल्स टू कंजम्पशन फंक्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, क्लियर है बच्चे। अब आपके पास में वाई इक्वल्स टू कंजम्पशन फंक्शन क्या है, आपके पास में कंजम्पशन फंक्शन आपके पास उसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे 200 प्लस 0.9 बच्चे, 0.9 क्या होता है, लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको, वही आप लाइक मैं आपसे ये ऐसे कह रहा हूँ कि 0.5 फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए वाई का मतलब क्या है, वाई का मतलब हो गया डिस्पोजेबल इनकम, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम बच्चे क्या होता है, वो इनकम जिसमें से आपने आपका टैक्स माइनस कर करके जो बचा वो डिस्पोजेबल इनकम है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरी सैलरी 1,00,000 रुपये है, तो मैं 1,00,000 रुपये को डिस्पोज नहीं कर सकता हूँ, उसका मैं कंजम्पशन पे नहीं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पहले गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। तो मैं 1,00,000 रुपये पर मान लीजिए 10,000 रुपीज़ मैं टैक्स पे करता हूँ, तो मेरे पास बचा 90,000 रुपीज़, उस 90,000 रुपीज़ में से ही जो खर्च करूँगा सो करूँगा, या पूरे 90,000 खर्च कर दूँ मैं, लेकिन उस 90,000 रुपीज़ को ही खर्च करने का राइट है मेरे पास में। तो जो 90,000 रुपीज़ है इसको डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो डिस्पोजेबल इनकम बेसिकली कैसे आता है कि आप अपने इनकम में से आप अपना टैक्स माइनस कर दो, क्लियर है बच्चे। और मैं इसको बता देता हूँ थोड़ा सा अलग पेज पे, ज़्यादा बेटर रहेगा, इसका मतलब समझिए ज़रा, लाइक 0.5 फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए वाई का मतलब क्या हुआ, इसको कहते हैं हम डिस्पोजेबल इनकम। ये क्या होता है, आपके इनकम में से आपने टैक्स माइनस कर दिया, ये डिस्पोजेबल इनकम है। अब ये टैक्स क्या होता है, तो एक टैक्स रेट गिवन होता है, टैक्स क्या होता है कि टैक्स रेट गिवन है, जो टैक्स रेट होता है ना बच्चे, टैक्स रेट मैं उसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टैक्स रेट 10% है, जिसको फ्रैक्शन में अगर मैं ट्रांसफ़र करूँ तो परसेंटेज आगे नीचे 100 कर दो तो 0.1 हो गया टैक्स रेट। इट मीन्स अगर मेरी डिस्पोजेबल इनकम टैक्स को कि कैसे निकलेगा, डिस्पोजेबल इनकम मान लीजिए कि मेरी इनकम 1,00,000 रुपए है, टैक्स रेट मेरा 0.1 है, तो डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकलेगा, मतलब कि 1,00,000 रुपए पर 1,00,000 रुपए पर मुझे 0.1 टैक्स पे करना है, क्लियर है। तो मेरे पास में मुझे एज अ टैक्स डिस्पोजेबल इनकम नहीं, पहले टैक्स कैसे निकलेगा आपका, मुझे अपनी इनकम का 0.1 टैक्स पे करना है जो कि कितना आया 10,000, क्लियर है बच्चे, ये बात समझ में आया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं अपने टैक्स को, टी इंटू वाई, मैंने क्या करा y मल्टीप्लाई बाई टी, तो क्या लिख दूंगा मैं टी इंटू वाई, तो समझ जाना कि इनकम पे टैक्स लगा दिया मैंने और इससे मेरा टैक्स आएगा, बट डिस्पोजेबल इनकम नहीं आएगा। वो कब आएगा मेरा,
जब मैं अपनी इनकम में से अपने टैक्स को मैं माइनस कर दूंगा, टैक्स मेरा कितना आया 10,000 रुपीज़, तो अब पता लगेगा ना कि मैं कितने इनकम को खर्च कर सकता हूँ, 90,000 रुपीज़। तो बेसिकली आपका डिस्पोजेबल इनकम कैसे आएगा, वाई माइनस टैक्स, टैक्स कैसा होता है टी वाई, क्लियर है बच्चे, ये आपका डिस्पोजेबल इनकम होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने डिस्पोजेबल इनकम को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है ये बताओ आप पहले, ये क्लियर है बच्चे? तो चलिए मैं अपने क्वेश्चन पे वापस लौटता हूँ। मेरा क्वेश्चन है कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स बता रखा है कि मुझे टैक्स इनकम में कितना चाहिए। तो सी का तो मैंने लिख दिया फंक्शन, और प्लस मेरे पास में आई है, और प्लस मेरे पास में जी है। अब आइए देखते हैं, इनकम इक्वल्स टू 200 प्लस 0.9 एंड डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालूंगा, इनकम माइनस टी वाई डिस्पोजेबल इनकम, क्योंकि मुझे जो एमपीसी अप्लाई करना होता है डिस्पोजेबल इनकम पर अप्लाई करना होता है, किस पर, डिस्पोजेबल इनकम पर। और एमपीसी क्या होता है, इनकम का वो पार्ट जो कि खर्च किया जा रहा है। तो यहाँ 0.9 एमपीसी है, इट मीन्स 90% हिस्सा आय का खपत हो जाता है। तो ये डिस्पोजेबल इनकम आ गया, प्लस आई प्लस आई प्लस जी एंड वाई इक्वल्स टू 200 प्लस 0.9 वाई, अभी रुक जाइए, 0.9 वाई माइनस कितना है मेरा टैक्स बताया हुआ है 0.1 वाई प्लस आई। इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चे मेरा, इन्वेस्टमेंट है हमारा 900, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमारा है बच्चे 800 करोड़। एंड वाई इक्वल्स टू 200 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 वाई माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 0.09 वाई एंड प्लस 9, 8, 17, 2, 1900। अब वाई के टर्म्स एक तरफ ले लीजिए आप, वाई माइनस 0.9 वाई एंड प्लस 0.09 वाई इक्वल्स टू 9, 1700, क्योंकि 200 तो अभी लिखा हुआ है ना, तो रहने दो। इक्वल्स टू क्या आया आपका 1900, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो 0.1 वाई माइनस 0.09 वाई इक्वल्स टू 1900 करोड़। अब आप 0.1 में से कहाँ गया हमारा कैलकुलेटर भैया, 0.1 में से माइनस कर दो 0.09। ये प्लस हो गया ना, 0.1 प्लस 0.09 ऐड करना है, तो 0.19 वाई इक्वल्स टू 1900 एंड वाई इक्वल्स टू 1900 डिवाइडेड बाय 0.19 और दो जीरो एंड 19 कट गया आपके पास में, 10,000 करोड़ हमारा नेशनल इनकम आ गया भैया। ये बात बताओ जरा, आपको समझ में आया नहीं आया, ऐसे ही न्यूमेरिकल होते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में तो आपके न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आपको आ गए होंगे। क्लियर है, नेशनल इनकम होता क्या है, नेशनल इनकम बेसिकली बच्चे हमने कितना कंजम्पशन कर लिया, हमने कितना कंजम्पशन करने के बाद जो बच्चा हमने इन्वेस्ट कर लिया, और प्लस में गवर्नमेंट ने क्या एक्सपेंस करा। हेलो हेलो, हेलो
ठीक है। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर वन का बच्चे आपका आंसर आ गया, ए पार्ट का बी पार्ट, व्हाट विल बी द गवर्नमेंट बजट सरप्लस। तो गवर्नमेंट बजट सरप्लस क्या होता है उसको समझिए। गवर्नमेंट बजट सरप्लस, तो गवर्नमेंट बजट सरप्लस क्या होता है बच्चे हमारे पास में, गवर्नमेंट क्या करती है, एक तो टैक्स रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस, हेलो क्लियर है बच्चे। आइए देखिए, गवर्नमेंट बजट सरप्लस, बीच बीच में कोई क्वेरी आ जाती है ना तो अटेंड करना पड़ जाता है। तो बच्चे एक रिवेन्यू सरप्लस क्या होता है, भैया आपने कमाया कितना और आपने गवाया कितना, यही तो होता है बच्चे सरप्लस। 100 रुपये आए, 80 रुपये खर्च कर दिए, जो बचा 20 रुपये, ये आपका सरप्लस है। तो गवर्नमेंट सरप्लस ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे गवर्नमेंट बजट सरप्लस का मतलब क्या है, रिवेन्यू। तो गवर्नमेंट ने रिवेन्यू कितनी जनरेट करी है, तो रिवेन्यू गवर्नमेंट की कैसे पता लगेगा बच्चे, जो गवर्नमेंट पे रिवेन्यू आती कहाँ से है बताओ, जो गवर्नमेंट पे टैक्स का कलेक्शन होता है बेटा, वही तो रिवेन्यू होती है गवर्नमेंट की, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे 0.1 Y, ये गवर्नमेंट की रिवेन्यू है। इनकम का कितना परसेंटेज एज अ टैक्स जा रहा है, ठीक है बच्चे, इनकम का कितना टैक्स जा रहा है, रिवेन्यू है, और माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी। तो सरप्लस इक्वल्स टू 0.1, और हमारी नेशनल इनकम कितनी आई, 10,000 आया, माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या, 800 है, ठीक है। देन सरप्लस क्या आया, सरप्लस इक्वल्स टू हमारा 1000 माइनस 800 इक्वल्स टू 200 करोड़, ये गवर्नमेंट का सरप्लस आया। अब बच्चे बताइए मेरी बात से आप सहमत है या नहीं सहमत है, क्लियर है, कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। इफ गवर्नमेंट इंक्रीज इट्स स्पेंडिंग बाय, मतलब उसने अपने खर्चे में 500 करोड़ की बढ़त कर दी, भाई साहब गवर्नमेंट का दिल बढ़ गया, अब इलेक्शन का टाइम आ रहा है, सरकार ने बोला यार ऐसा करते हैं खर्चा बढ़ाते हैं, चेंज इन 500 करोड़, तो भैया गवर्नमेंट हमारे नेशनल इनकम में कितना चेंज आ जाएगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो क्या आया था 1/0.19, क्लियर है, और इनटू, देखिएगा यहाँ पे इक्वेशन था ना हमारा, लास्ट इक्वेशन में क्या आया था, ये हमारा 1900 फिगर था, आप ये कर लो इसमें ऐसे निकालना है चेंज इन इनकम, तो चेंज इन दिया जाएगा, तो जो आपके पास में आया था वो और इनटू 500 कर दो, कि 500 का कितना पार्ट जाएगा, क्योंकि आपके एक्सपेंस पे इतना एडिशन हो गया ना गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट का कितना जाएगा 500 / 0.19, 2631.57, ये इनकम में चेंज आया, तो पूरी अब नेशनल इनकम कितनी हो जाएगी, तो Y इक्वल्स टू ओरिजिनल नेशनल इनकम कितनी है हमारी, 10,000 है, क्लियर है, एंड प्लस अब इनकम में चेंज आ जाएगा 263157, तो बस इसमें प्लस 10,000 कर दो, अब इनकम में जो चेंज आ गया 12631.57, ये इनकम में चेंज आ जाएगा, अब ये इनकम हो जाएगी। तो पूछ ही रहा है, इफ द गवर्नमेंट इंक्रीज स्पेंडिंग बाय द 500 करोड़ फाइंड द न्यू इक्विलिब्रियम इनकम एंड बजट सरप्लस, दोबारा से बजट सरप्लस निकालो भैया, तो वैसे ही सरप्लस आप निकालोगे, तो टी वाई माइनस टैक्स मतलब रिवेन्यू माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो सरप्लस 0.1 इंटू 263 जी 0.1 इंटू 1263 1.57, ये तो रिवेन्यू हो गई, अब जो इनकम आई है नई इनकम में से इतना टैक्स जाएगा तो गवर्नमेंट की रिवेन्यू हो गई, और माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना हो गया,
पहले तो 800 कर रही थी, अब गवर्नमेंट ने अपना 500 और एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। तो सॉल्व करते हैं, इन टू पॉइंट वन तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, रिवेन्यू तो बच्चे, अगर मैं सरप्लस की बात कर रहा हूँ तो कितना है हमारे पास में, 1,263.15 टैक्स एंड एक्सपेंस कितना कर दिया गवर्नमेंट ने, 1,300। ये तो भैया गड़बड़ होगी। हाँ भाई चेक कर लेते हैं, बारह सौ तिरसठ हाँ बजट डेफिसिट में आ गया ना आपका। छत्तीस माइनस में आ गया, 36, इसको हम क्या बोलेंगे, डेफिसिट, घाटा हो गया यहां पर सरकार को। क्लियर है बच्चे, ये बात समझ में आ गई। तो ये फुल फ्लैश आपका एक न्यूमेरिकल था, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही है न्यूमेरिकल में। लगातार बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि सर ये न्यूमेरिकल कैसे होगा कैसे होगा, और न्यूमेरिकल आपको करवा दिया है, कोई बात नहीं। अब आपको समझ में आ गया ना बच्चे, अब अगली कक्षा में नेक्स्ट क्लासेस में और ऐसे और इस मज़ेदार क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे 2022 के सीरीज में, क्वेश्चन नंबर 7 को एंड करेंगे। यकीन कर लीजिए बच्चे, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूँ, मैं बस आपको लास्ट 4 ईयर के पेपर ऐसा सॉल्व करवा दूंगा कि आपके पेपर में लगभग लगभग 80% का काम आपका हो चुका होगा। तो अभी तक जिन बच्चों ने बिल्कुल भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया और वो अब मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके माइंड में लग रहा था कि यार मैक्रो इकोनॉमिक्स वही है मनी और बैंकिंग, बट अब अंदर आए तो आपको बिल्कुल डिफरेंट मिला, और आप पढ़ भी रहे हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी मैं आपको ये श्योरिटी दिलाता हूं कि अभी भी मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज देख लेंगे। ज्यादा नहीं, मैं बस 20 से 22 सवाल ही करवाऊंगा आपको, लेकिन उस 22 से 22 सवाल के अंदर आपको अच्छे समझा भी दूंगा, सॉल्व भी करवा दूंगा, सिर्फ बताऊंगा नहीं समझाऊंगा भी, और उसके बाद आप अपने एग्जाम में आप 80% पेपर इन्हीं 20-22 सवाल से आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए कि अभी तक नहीं पढ़ा तो अब आगे हमारा क्या होगा, इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा हम किस तरीके से पढ़ें, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके जो है कोर्सेज के अंदर अच्छे से कंटेंट को मैनेज किया गया है, PDF अवेलेबल करवाया गया है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। अभी 22 क्वेश्चन करवाऊंगा, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी मैं आपको और क्वेश्चंस इसमें डिलीवर करूंगा। तो बच्चे बिल्कुल प्रिपेयर रह जाइए, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज के लिए यही आपका कल्याण कर देगी। धन्यवाद।